यार ये बदकिस्मती से अच्छा लग रहा है। 10 में से रेट कर दें आप। 9 आप बताएं। जैकेट उतारी है। नहीं नहीं अरे बेचते हैं। वाह 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 वाह। अरे यार मेरे को एक ग्रुप में ऐड करना। पहली बार मैंने बहुत हार्ड लग रहा मेरी जान। क्या तरीका है यार, क्रिएटर क्रिएटर को व्लॉग करने नहीं दे रहा यार। हाँ तो गाइज आज का व्लॉग, आज के व्लॉग में एक चैलेंज आ रहा हूँ। मैं कभी आज तक स्ट्रीट वेयर पहना नहीं। पीछे जो बैठे हुआ है ये देखो स्ट्रीट वेयर का ओजी एसडीएल में, ये देखो पलट एक बार, टर्न मारो एक बार, बैग देखो ये सब देखो। तो ये सब अपन भी करने वाले हैं, अपन पहली बार ट्राई करने वाले हैं आज स्ट्रीट वेयर ही बोलते हैं ना इसको, स्ट्रीट वेयर बोलते हैं। आज फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रीट वेयर ट्राई करने वाला आ रहा हूँ। तो सीट भाई जगह लेके जा रहे मेरे को काले घोड़े के पास, कौन सी दुकान स्ट्रीट वेयर? देखो अभी इंडिया में ट्राई कर रहे हो तो आई थिंक इट मेक सेंस कि वी स्टार्ट विद जे वॉकिंग, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। तो क्या बात है, काला घोड़ा इज ब्रांच ऑफ जे वॉकिंग। तो आज जा रहे हैं वहाँ पे और इसके बाद मैं वहाँ पे सीट भाई मेरे को पूरी आउटफिट मेरे को बताने वाले, वो आउटफिट मैं पहनूंगा और मांबा भी चल रहा, मांबा भी एक आउटफिट बनाएगा, दोनों में से दोनों आउटफिट पहनूंगा जो बेस्ट लगी, वहाँ पे भी लोगों से पूछेंगे। और एक आउटफिट मैं पहन के हम लोग जा रहे हैं कहाँ, बैंड्रा कहीं को जा रहे हैं बोलते हो अजी और भाई जी के लिए चीखने चिल्लाने जा रहे हैं, वहाँ से वॉच पार्टी करेंगे, जितने भी क्रिएटर्स अपने सब वहाँ पे मिलने वाले। तो अपन जैसे पहली बार ऐसे रूप में उनके सामने जाएंगे, उनके भी रिएक्शन देखेंगे तो मजा आने वाला है। कितना खर्चा आता है, वो क्या होता है, वो तो सीट भाई के ऊपर है अब, बट ठीक है पहली बार पहनने का मेरे को बहुत टाइम से मन था, बट ट्राई करेंगे यार। अभी निकल रहे सीधा मिलता हूँ घाट। तो 1.5 घंटे की राइड के बाद फाइनली पहुंच गया। आपको दचके पड़े राइड में? ऐसा झटका मार रहा था, मैं पीछे से आगे आ जा रहा था बार बार। अच्छा सर घूम रहा है मेरा, सर घूम रहा है। मैं ऐसे ही चलाता हूँ, मतलब हाँ भाई मैं ऐसे चलाता हूँ। मुंबई की रोड इतनी गंदी है यार, क्या बोलूँ, मेरे को ब्रेक मारने की आदत नहीं है ज्यादा, बट मैं अच्छी सेफ ड्राइविंग करता हूँ भाई, सेफ चलाता हूँ। सेफ चलाता सिर्फ भाई, मैं क्या सेफ नहीं चलाता, सच्ची बताओ सेफ तो चलाता, पूछ लो यार। पहुंच गए काले घोड़े के पास, यहाँ पे पूरा स्ट्रीट है यार। इसके पहले भी थक भाई के साथ इधर आया था मैं। आपके अंदर से ही टूटेंगे गाड़ी के विंडशील्ड, नहीं निकालूंगा मैं, अंदर ही अंदर होगा जो होगा। अच्छा चलाता हूँ, तो टेक्नो वाला हो ना थोड़ा मुंडी ऐसा होगा तो अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे को अच्छे से आउटफिट बनवाओगे कि नहीं, तुम समझ रहे हो मेरी आउटफिट बनाना है तुम्हें? मतलब तुम देखो सीन ऐसा है ना मामा, तुम जो आउटफिट, मैं स्ट्रीट वेयर का मेरे को जीरो नॉलेज है, तुम बोलोगे तुम एक आउटफिट सेट करोगे मेरे लिए, सिर्फ एक आउटफिट सेट करोगे, मैं दो आउटफिट खरीदने आ रहा हूँ स्ट्रीट वेयर की, दो बस दो। हाँ पहले ट्राई के लिए दो है, फिर रिव्यू लेंगे लोगों के, पसंद आया तो फिर अपन भी चालू करेंगे। पहले 1.4 मिलियन पे तो 14 आउटफिट होना चाहिए ना। इतना नहीं मामा, पहले के हिसाब से इतने में करते, वरना मेरे को घर बुला लेंगे वापस, जो यहाँ पे बिल बनेगा। दुकान देखो ऐसा लग रहा है कोई यूरोप के स्ट्रीट में वॉक कर रहे, मस्त है ना। इसके पहले भी आया जब मैं बोला था ऐसा लगता है यूरोप के कोई स्ट्रीट में चल रहे हैं यार, मतलब बहुत अच्छे से बना है। ब्रिटिश लोग यहाँ पे छोड़ के गए थे ना, दिस एरिया इज वेरी लेस चेंज्ड। अच्छा यहाँ के स्ट्रक्चर यहाँ के सेम रहेगा, थोड़ा और आगे अपन जी वॉकिंग के स्टोर पे चले। क्या बात है यार, क्या बात है, स्टोर देखो वहाँ का, लास्ट हुआ है मामा, पहली बार है तुम भी स्टोर पे? ये वाले में पहली बार। हेलो व्हाट्स अप ब्रो, चलो तो पहनते हैं। हाँ भाई डिसाइड करेंगे, ये भाई डिसाइड करेंगे, दोनों भाई डिसाइड करेंगे। हाँ दादा अभी तुम्हारा भाई आज ये पहन गया, सिंपल जो अपन टी शर्ट पहनते जीन्स पहनते आ रहे हो, आज अपने पूरा स्ट्रीट वेयर में पूरा चेंज करने वाले, देखिए मैं बोलूंगा। अच्छा एक सेकंड, क्या आप क्या बोलोगे, दो तीन चीजें पहनने बोलोगे? ठीक है ठीक है ठीक है। सिड भाई तो ओजी स्मॉल ये अच्छा ट्राउजर्स भी है ना। हाँ चालू करो, मैं ट्राई करना, अब तीन चार तुम निकाल दिए, पहले टी शर्ट ट्राई कर रहे हैं अपन सारे, टी शर्ट ट्राई कर रहे हैं। ठीक है आ रहा हूँ। तो वो टी शर्ट छोटा है मिली, तुम अंदर कहाँ आ रहे हो, रिकॉर्ड करने बोला ना, तो इसमें क्या टी शर्ट है, आ जाओ जा रहा हूँ, मेरे को नहीं करना है। ठीक है रिएक्शन लो मीडियम, तेरे को
दिखा स्लो थोड़ा ना, स्लो स्मॉल थोड़ा। हाँ नहीं नहीं थोड़ा सा एक साइज बड़ा चाहिए, लेकिन बस मेरे को कलर अच्छा लग रहा है, बट मेरे को ये डर लग रहा है कि इसका यहाँ पे फैल ना जाए चेस्ट पे, मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा लूज हो जाएगी, अल्ट्रा लूज हो जाएगी। नहीं तो लूज इज फाइन, बट कल अपन क्या ट्राई किए थे, नहीं नहीं ये तो मजा नहीं आ रहा है इसमें, ये साइज में मजा नहीं आ रहा, नहीं साइज में फील नहीं आ रहा, किड साइज लग रहा है। हाँ तुम किड ही हो वैसे तो। गाइस देखा गाइस, ये क्या स्मॉल है, अरे तो ऐसा जबरदस्ती का लग रहा है, गले पे ही बहुत जबरदस्ती का टाइट हो रहा है वैसे। अब तक ये मैं पूरा आउटफिट बना के देता हूं, ये भी मीडियम, ये मीडियम, ये करो टी-शर्ट साइज, देखो टी-शर्ट साइज, टी-शर्ट अब मेरे को सही लग रहा है थोड़ा सा। हाँ बोलती पब्लिक अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब आज तक स्नैक्स को जो पहनते और जिस देखा नहीं था कभी ऐसा देखा ना, ये मतलब मैं इसको वो नहीं कर पा रहा, डिकोड नहीं कर पा रहा कि वेदर इट्स लुकिंग गुड या नहीं, ना ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, बट ये टाइट हो रहा है, पिंक नहीं यार, ये पहनो तो दिस इज 34 Guys, मेरी कमर, my waist size is 32, just telling you, 32. हाँ भाई बल्क कर रहा हूँ यार, ऐसा बोल रहा हूँ। Pant अंदर पहन लो। This sweatshirt और लोग all are cropped, सब cropped। यार sweatshirt बोल रहे थे। Sweatshirt ऐसा ही होता है। अंदर तो t-shirt भी पहन सकते हैं। पहनना ही पड़ेगा t-shirt obviously। कैसा लग रहा है? मेरे को पैंट सही लग रही है, इसके साथ पैंट तो ठीक है, ये पैंट अच्छी है। हां ये कॉम्बो कैसा लगेगा पैंट के ऊपर, पैंट का कलर व्हाइट स्टिच है ना, तो व्हाइट टी-शर्ट अंदर डाल दो। हां व्हाइट टी-शर्ट दिखा दो और उसके ऊपर ये थोड़ा एक से बहुत ज्यादा ही, मतलब हां बहुत ज्यादा बैगी हो गई व्हाइट टी-शर्ट, तो सिर भाई ने आउटफिट लॉक कर दिया, रहा मामा की बारी, मामा डिसाइड करेंगे कौन सी आउटफिट है। देखो मैं तुम्हारे अच्छे से बताता हूँ क्या लॉक आते हैं कि गिरगिरी, ये पहली बार ऐसा बैगी बैगी पहन रहा है, कैसा दिख रहा हूँ बताओ, पहली बार बैगी बैगी ऐसा पहन रहा, कैसा दिख रहा हूँ जरूर बताना कमेंट करके। आज सबके रिएक्शन आने वाले, भयंकर भयंकर रिएक्शन आने वाले सबके आज। अच्छा लेग्स है ना तो दिखा सकता है ब्रो, क्या फायदा इतना वर्कआउट करने का, इतना पैसा जब बनेगा पूरा बिल भर दोगे तो मैं पहन लूंगा। हां फिर तेरे को घूमना पड़ेगा, ना ना घूमूंगा मैं तो भर दूंगा यार। ये ट्रैक्स भी बहुत सेक्सी है, लेकिन ये लड़की लोग के लग रहे थोड़े से, ये पिंक स्ट्रीट वेयर में पिंक ये कुछ नहीं होता, बिंदास पहन सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मोस्ट इसमें यूनिसेक्स होता है, समझ गया, ये अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ नहीं है, हाथ है ही नहीं, सिर्फ सर डाल पहुंचो, पर पहुंचो कहते हैं ये क्या रे भाई, और इसमें हमने गेटेड ब्रांडिंग भी की है, तो यहां पे ब्रांडिंग से ड्यूएल की और भी जागर लग रही है, नॉट द फाइनल। हेलो जी, नहीं कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैंने देखा था इंस्टा पे ना, तब हैरी पॉटर में था ना वो लोग अपने वो पहनते हैं हाउसेस के, वो वैसा ही लग रहा है, भयंकर ये ले ले, ना ना ये ले, ये नहीं ये नहीं, तेरी पर्सनालिटी रीडिफाइन हो रही है ना। एक बार मैं अभी तू चेंज कर रहा, मैं देख रहा था, तू ऐसा कर एक बार ये और ये मेरे को पहन के दिखा इसके ऊपर, सेम पैंट पे, हां सेम पैंट, सेम पैंट में ब्लैक और ये जैकेट, क्योंकि मतलब मैंने वो वाला पैंट सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों पैसा खर्चा करा जाए, अभी एक बार तो ब्लैक ही है ना वो, ब्लैक ये है और ये इस वाले में जो ये है ना, इस वाली से लाके ऊपर की वजह से जूते मैच हो रहे हैं तेरे, तो एक बार ये वाला ट्राई कर, ब्लेसिंग सेंस तो यार पहन गया, बढ़िया लग रहा है ये वाला, क्या बोलते हो। हां सिर भाई यार ये
बदकिस्मती से अच्छा लग रहा है। बदकिस्मती से मतलब मैं चाह रहा था कि कुछ अलग वार्डरोब में कुछ और भी चीज ऐड हो, समझ रहे? हाँ वो दिन का हो गया, ये रात का हो गया, ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ वो दिन का है, हाँ वो दिन का ऑलवेज ब्राइटर कलर, हाँ एक व्हाइट एक ब्लैक हो गया, एक पैंट सेम, हाँ पैंट सेम हो गया, पैंट तो हमेशा से हमें रिव्यू कैसा देती पब्लिक सिल्वा या अम्मा को बोला स्पीचलेस है। नहीं मतलब सबको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा ना, देखा नहीं, तो हम लोगों को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है, तेरे को खुद एक्सेप्ट करने में, टेस्ट तेरे को फ्लेवर डेवलप करने में तेरे को लगेगा, तेरे को अभी फ्लेवर डेवलप करने में भी टाइम लगेगा। ये पहन के निकल दो, चल ये पहन के निकल ले, डन है ये वाला, ये पहन के निकल, डन है ये वाला, डन है, सही है, स्टाइलिंग भी हो गई और एक पैंट भी बच गई, पैंट का खर्चा, दो पैंट एक दो आउटफिट, एक पैंट दो आउटफिट पे चल रहा है, हाँ बढ़िया लग रहा है, बहुत सारी चीज चल रही है, ब्लैक तो और ये आज के हिसाब से पैंट मैच हो रही है ना इसके लिए, हाँ करेक्ट है ना, डन डन है, चल नाइस डीलिंग विद यू, यस शॉपिंग डन यार, यूरोप की स्ट्रीट से शॉपिंग करके निकले हम लोग, देख सकते हैं आप लोग बैकग्राउंड पूरा एकदम स्ट्रीट वैसी है, तो अभी कुछ लाइट खा लेंगे, फ्रैंक एंग्री रोल वोल खा लेंगे, दोस्तों हम लोग फ्रैंकी वैंकी खा लेके हम लोग निकलने वाले यारो बैंड्रा के लिए, कहाँ वॉच पार्टी करने, 10:30 का टाइम है, रीच टाइम हम लोग जरा लेट ना हो जाए, बस खा लेके निकलेंगे, इधर आइए माम बाप उधर कहाँ जा रहे, कैसा दिख रहा माम बोलो ना, इधर बता तो इधर साइड में तो पहली बार मैंने बहुत हार्ड अच्छा लग रहा रे मेरी जान, ऐसा पहना करना भाड़ का अच्छा दिख रहा, तो तेरे को बोलता हूँ ऐसा पहना कर, तो अच्छा लग रहा यार, पीछे पलट पीछे पलट, कपड़े बता इधर ला मोबाइल यार, पलट पीछे पलट पीछे पलट पलट, टैग तो निकाल यार, टैग नहीं निकाल, क्या यार तुम सीछा हटो, ये क्या है भाई, पहनो इसको गाफ पे डाले, अरे ये टैग है ना तो गाफ पे क्यों रखा, अरे रखा ना कोई देखेगा, रखना उधर जैसे करने का क्या, सुनना चीचा ये जय के बदले ना राज होना चाहिए था यार, वो क्या समझ राज लिखा होता ना मजा आ जाता यार, हाँ वो यार राज स्लो मॉकिंग दिन करेंगे ना, ये क्या बात है, तो आए हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं चीजें, आए ये है बुफे आपके लिए, बहुत ही प्यारा था आपके लिए सेटअप वहाँ पर हो चुका है, ये है आप अपना चश्मा उठाए, ये आपके लिए पूरा सेटअप है, मोर नो बियर अपियर, ओके हाँ, ये आपका वॉलेट में पर्स रखा हुआ है, जो भी आपको मेकअप वगैरह जो सब लगेगा, यू आर माशाल्लाह लुकिंग वेरी गुड, एक बार बेबी कैम डाउन कैम डाउन ए शका मशुकु मशिकी मिशिकी मी बांग डाउन, आओ तो यहाँ पर सब लोग खा रहे, और भाई का व्लॉग अपन ने यहाँ पर ले लिया, उसका मोबाइल मैं हूँ उसका व्लॉगर आपसे, so we are here amazing wiper chacha amazing yes. say hi to snacks hi snacks bhai hello jay kaisa dikh raha hai jay you are looking jay ma'am kaisa dikh raha hai agar sponsor karenge to जे वॉकिंग सुन रहे हो मॉडल थोड़ा बहुत बन जाएंगे, दूर गांव में बस्ती थी जय भाई की, बताएं कैसा लग रहा है, ऑसम क्या बात है, तो यार अभी नीचे जा रहे सेटअप करने, आगे आ रहे कैफे में यार, नीचे सेटअप है हमारा, बाकी लोग का इधर है यार, ये देखो चल रहा कुछ गिफ्ट की गिफ्ट की, ये कौन है भाई, मेरी आउटफिट कैसे बनाई सच में, फर्स्ट टाइम मैंने भाई को बड़ा भाई कैसे रिप्ट है ना, फर्स्ट टाइम मैंने भाई, फर्स्ट टाइम मैंने अच्छा दिख रहा है, चल मेरे साथ, मैं तो आज गरीब बन गया हूँ, हमेशा पीका लगता हूँ, ये ज़्यादा बोल रही है मॉडल यार, वो जिम में करता है, मैं देखो गरीब मॉडल, कैसा दिख रहा है, लेजिट 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 बताइए, रेट माय आउटफिट अच्छा, रेट कितना, हां ऑब्वियसली जाने दो, आइए करो करो, आइए 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 बताइए भाई, देख लीजिए आप अच्छे से, देख लीजिए देखो कंपेयर अच्छे से, देख लीजिए पैसे वाला आदमी यार हम गरीब, अरे यार तुम क्या यार रुको ना, ये वीडियो के लिए बोले सच्ची बताओ, वीडियो बंद है, वीडियो बंद है, बताओ सच में टेन, शुक्रिया पायल, पायल 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 के फैन गर्ल्स जो है सो मेरे बारे में बातें कर रहे थे यार, तो ये स्टोरी भेजते हैं, सॉरी स्नैक्स
अरे यार मेरे को एक ग्रुप में ऐड करना यार फिर जाएगी मतलब मेरे को डिलीट करना पड़ेगा ग्रुप। अरे नहीं नहीं इतना कोई सीन नहीं होगा। दो मिनट में मैच चालू है जी रॉकेट फाइटिंग। ये नहा के आया बोल रहे हैं, बात तो सही है। नहीं नहीं डेली नहाते हम लोग, हम लोग दोनों डेली नहाते हैं। ईश क्या यू आर सुपर स्टार माय फ्रेंड माय ब्रदर। तेरा रेट अच्छा इसको रेट करो, रेट करो 10 में से रेट कर दें आप 9। आप बताएं जैकेट उतारी है? नहीं नहीं अरे ऐसी बोले ना, आपको बड़ा जैकेट उतारना है, आप बताएं ना। क्या रेट करें? पहली बार पहना है कितना? पायल 10 दिया है 9 and 9 और क्या बात है बोलना है क्या लग रहा है भाई? क्या कहना चाहेंगे विली आप आउटफिट के बारे में? थोड़ा ब्लर करिए, ब्लर करिए। कैसा दिख रहा है जोकर के जोकर तो है ही बॉलीवुड हीरो, उसके बाजू में और एक ये भाड़ खाऊ मेरा फोन घूम गया, सबको अपना ड्रिप बता रहा। बैगन ये नहीं क्या फोन ढूंढने मदद कर दे भाई की, ड्रिप देखो मेरा बैगन देख लो। मैच खत्म हो गया यार, थोड़े दिलान दुखी सो है बट खुशी भी यार, पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट। रॉसी ने अच्छा खेला यार, रॉसी का और इतना अच्छा खेलना भाई। देखो ये भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, मामा नहीं जानता, बट ऐसी स्टेज पे इतने बड़े स्टेज में खेलने में बात लगती है, जानता है देखो पूरा फील आ रहा है क्या फील हो रहा है, समझ कितना पैनिक मतलब क्या नर्वसनेस में, इतना अच्छा खेला है। आप क्रिएटर मामा ठीक है दर्द समझते हैं पटवनी, और हम दोनों जानते हैं लायन का जो प्रेशर रहता है इतने बड़े स्टेज पे। अच्छा यार वर्ल्ड राइड जी फाइटिंग अगले टॉपिक बात सही बात सही भाई। मैं मेरा तो मेरे ख्याल से तेरा परफेक्टिव बहुत अलग था। नहीं नहीं मेरा अच्छा, मैं पॉइंट पे आ रहा था, मेन पॉइंट पे आ रहा था, मुद्दे पे आ रहा था।
एक बार इधर आओ ना, मैं मेरे हेड लेवल पे रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? हेलो गाइस, वेलकम। मामा तो भी थोड़ा दिख रहा है, मैं मेरे हेड लेवल पे रिकॉर्ड करूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो आइए इधर आइए, कुर्सी का इधर आइए आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आके दिख रही है आप सीनियर सिटीजन रह के क्या बोल सीनियर सिटीजन वो क्या बोला सीनियर सिटीजन को बोला कपड़ा तो सारी सारी फाइल डिलीट कर दूंगा मैं अभी इस ब्लॉग की सारी फाइल डिलीट कर दूंगा। क्या बोल रहे, कपड़े में पैदा हुआ है ये वापस लेके ना, पैदा हुआ है 6 घंटा नहीं हुआ पहन के एस्थेटिक एस्थेटिक ब्रो एस्थेटिक ब्लर करिए ब्लर करिए फोटो ब्लर करिए तुम हमारे क्लब में आ गए हो, रिस्पेक्ट। थैंक यू सिर्फ आज जो आपने जो बेहतरीन आउटपुट दिया, लोगों के जो नज़र मेरे पे जा रही थी, थैंक यू मामा, आपने भी जो आउटपुट दिया, नज़र जा रही थी इस बार तो नज़र कहीं और लेके जाएं, चलें चलें। अंकिता आज मेरे में कुछ चेंज दिख रहा है तुमको? यस, आप काफी ही स्टाइलिश लग रहे हो। पहली बार मैंने स्ट्रीट वेयर ट्राई किया, कुछ रेट करना चाहेंगे आप इसको? मेरे पास सिमिलर पैंट्स है। क्या बात है, आज पहन के आना था, वी शुड बी ट्विनिंग। हां यार, मैं सोच रही थी पहनने, तो मैं मुझे क्या रेट करोगे मेरे आउटफिट को? पहली बार मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, मेरी आउटफिट कैसी दिख रही है? मेरे आउटफिट में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? पहली बार सीट पर बना है, पहली बार नोटिस किया था तभी तो तुम आए थे। हाँ सिर भाई, जब भाई नहीं है क्या? हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिड ने बताया कि तुम लोग यस, तो क्या रेट करेंगे आप मेरे आउटफिट को? सच्ची बताओ, ऑब्वियसली नॉर्मली ज्यादा मतलब मैं जो यूजुअली पहनता हूँ ये सब नहीं पहनेगा। मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ कि मैं ये सीट पर कैरी ऑन करूँ कि ठीक है? फीडबैक ये थोड़ा अलग फीडबैक मिला, वरना सब जने बोले कि अच्छा दिखो। ठीक है थैंक यू। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा यार। अभी लिटरली सुबह के 9:30 बजे रहे मैं ये ब्लॉग एडिट करा, अभी बस आउटरो रिकॉर्ड करना भूल गया था, अभी आउटरो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा यार, ये चैलेंज, ये पहली बार जो मैं स्ट्रीट पर पहना आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, कौन सा आउटफिट सबसे बेस्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी जान, और ऐसे चैलेंजेस लेके आते रहेंगे। आप लोग फीडबैक देते रहो, क्या देखना चाहते हैं नया कंटेंट, कौन सा चैलेंज देखना चाहोगे, किसके साथ देखना चाहोगे, ज़रूर कमेंट करो, ट्राई करेंगे वो पूरा करने की। और ये वीडियो कैसा लगा, फनी था, जो बेस्ट पार्ट था ब्लॉग का कमेंट करके ज़रूर बताना, और फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है गाइस। लाइक करो वीडियो को, पसंद आया तो लाइक तो ठोकी देने का यार, सोचने का नहीं। आज ये वीडियो में 50,000 लाइक होना मेरे को, कमेंट दबा के करो अगले वीडियो में कौन सी चैलेंज होना उसका सजेशन दो मेरे को। और जिम सीरीज भयंकर आने वाली है नेक्स्ट वीकेंड से, ज़रूर फॉलो करना जितने भी अपने भाई लोग हैं, तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है उस चीज़ में। और यार 1.5 मिलियन के बहुत करीब है अपन, ये ब्लॉग के बाद हो जाने चाहिए। अगर हो गया 1.5 मिलियन ये ब्लॉग अपलोड होने के बाद, तो यारो लव यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग, पीस आउट गाइस। सुबह 9:30 बजे अब मैं एडिट खत्म हुआ मेरा, मैं जाके सोऊंगा, रात भर से सोया नहीं हुआ। चलो बाय बाय।